आज ऐसी शर्म की बात ये है कि एक लड़कियों को जिसका उनका कल्चर है, उनका जैसे हमारे बहनों का प्राइड है हिजाब, खुशी के मारे बोलते ना आंग काटे रहे कि वो दो महीने से वो लोग लगातार लड़कियां डटे रह रहे कि अपनी हक के लिए उन्होंने कुछ चीज़ को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। हम उस बहनों के लिए हम सलाम देते हैं, इस बहनों को हम थाली बजाते हैं। ऐसे बहनें हैं, ऐसे बहनों के लिए हम उनके लिए कुछ नहीं कर सकते, लेकिन इतना कह सकते हैं उनको यहाँ से रायचूर से हम आवाज़ वहाँ तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। और हम ना यहाँ पे आज ये किया, सब लोग हर कम्युनिटी के लोग हैं, हर जात के लोग इस चीज़ की मजम्मत करते हैं। ये है हमारा इंडिया, ये है हमारा कर्नाटक। एक एमपी कहता है मैसूर का, हिजाब डालना है तो मदरसे को जाओ। एक मिनिस्टर कहता है मंगलोर का, सुनील कुमार, हिजाब पहनना है तो पाकिस्तान को जाओ। एक एमएलए कहता है बीजापुर का, पाकिस्तान उसके लिए बना है, आप वहां जाओ। हम लोग 1947 में ही पाकिस्तान को ठुकरा दिए लोग हैं। हम यही रहना है, यही पैदा हुए, यही मरना है, इसी मिट्टी में दफन होना है। जो एमएलए मिनिस्टर्स जो रिप्लाई दे रहे हैं आज कर्नाटक में, ये लोग एमएलए मिनिस्टर एमपी बनने लायक ही नहीं है। ಮುಂದೆ ನಮ್ಮ ಹಿಜಾಬ್ ಅಷ್ಟೇ, ಎಲ್ಲರೂ ಇದು ಕೇಸರಿ ಶಾಲ್ ಹಾಕೊಂಡು ಬರೋದು ಅದೇ ಅವ್ರ ಇಷ್ಟಪ್ಪ. ಅವರು ಕೇಸರಿ ಶಾಲ್ ಆದ್ರೆ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಬಣ್ಣ ಕೇಸರಿ ಹಾಕೊಂಡು ಬರ್ತೀವಿ ನಾವೇನ ಏನಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ. ಇಲ್ಲ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ರಿಲಿಜನ್ ತಾವು ಫಾಲೋ ಮಾಡಲಿ, ನಂಗೆ ಏನದು ಅಡ್ಡ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ನಾವು ನಮ್ಮ ರಿಲಿಜನ್ ನಾವು ಏನು ಮಾಸ್ಕ್ ಈಗ ಫೇಸ್ ಕವರ್ ಆಗೋದು ನಾವು ಹೇಳಲ್ಲ, ಎದಕ್ಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಸ್ಕೆ ಹಾಕೊಂಡು ಬರಕತ್ತ. ಸಬ್ ಲೋಗ್ ಏಕ್ ಸಾಥ್ ಆವಾಜ್ ದೀಜಿಯೇ, आवाज दो, वी वांट जस्टिस, वी वांट जस्टिस, वी वांट जस्टिस। पहले तो मैं आप सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ, हमारे बहनों को इसके खिलाफ आप सभी ने आवाज उठाई। जैसे कि आप सभी जानते हैं उडुपी में जो स्टूडेंट्स को जो इनजस्टिस हो रहा है वो सबसे शर्मनाक बात है। मैं ये बोलना चाहता हूँ जो हमारे कर्नाटक में सबसे ज़्यादा शेमफुल चीज़ मैंने आज तक जब से मैं हम देख रहे हैं ना अभी तक ऐसी नहीं हुई, क्योंकि कर्नाटक का कन्नड़ी का सबसे ज़्यादा हम्बल प्यार में ऐसे लोग जाना जाते हैं। आज ऐसी शर्म की बात ये है कि एक लड़कियों को जिसका उनका कल्चर है, उनका जैसे हमारे बहनों का प्राइड है हिजाब, उनका हक है, उस चीज़ को वो लोग क्रिमिनल सियासी मुफाद के लिए इस चीज़ को वो भड़का के लोगों के दिमागों को पोलराइज करके जो करने का काम करें, उस चीज़ की हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। जैसे आप सभी को पता है गवर्नमेंट के पीयू बोर्ड के एक्ट के हिसाब से जो रिसेंटली 2021-2022 में जो एक्ट आया है चैप्टर नंबर 6 में, उसमें क्लियरली मेंशन है क्या बोल के कि किसी को भी हम यूनिफॉर्म इम्पोज नहीं कर सकते किसी को भी कि हम ये पहले बोल के एक्ट के हिसाब है। वो खुद वहाँ के कॉलेजेस हर सभी को, स्पेशली प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, सभी को गवर्नमेंट का एक एक्ट रूल है कि कोई भी किसी को इम्पोज नहीं कर सकता। शर्म की बात ये है कि सबसे बड़ी बात जो हम बोलते हैं ना कि इस चीज़ पे मुद्दा उठा नहीं कि ये लोग कानून का उल्लंघन कर रहे हैं, लॉ को एक्ट को उल्लंघन कर रहे हैं, कि टीवीओ में डिबेट इस चीज़ चल रही है कि हिजाब लाए नहीं, ये नहीं सोच रहे कि हमारा कानून किसी का हक है, इस चीज़ पे कोई चर्चा कर रहा नहीं, ये कर रहा है कि किसी को दो बंदे को बिठा देंगे यहाँ पे, हमारा दूसरा भाई बैठेगा वहाँ पे, दोनों को लड़ा के टीआरपी का मजा लेंगे। ये नहीं कर किसी के जो गलत हो रहा है, किसी का हक की बात कोई कर रहा नहीं, सिर्फ उन्हें ये चल रहा है सिर्फ मज़े के टीआरपी चले, लेकिन हकीकत बात ये है खुले आम कानून का लॉ का उल्लंघन ये लोग कर रहे हैं। हम सभी यहाँ पे लोग आके इस चीज़ की मजम्मत करते हैं कि ऐसे जो भी जो ताकतें हैं जो जुल्म कर रहे हैं, जो स्टूडेंट्स को रोक रहे हैं, जो दो महीने से लड़कियाँ, वो सबसे बड़ी बात मैं सोच रहा हूँ तो भी मुझे खुशी के मारे बोलते ना आंग काटे रहे कि वो दो महीने से वो लोग लगातार लड़कियाँ डटे रह रहे कि अपनी हक के लिए उन्होंने कुछ चीज़ को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। हम उस बहनों के लिए हम सलाम देते हैं, इस बहनों को हम थाली बजाते हैं। ऐसे बहनें हैं, ऐसे बहनों के लिए हम उनके लिए कुछ नहीं कर सकते, लेकिन इतना कह सकते हैं उनको यहाँ से रायचूर से हम आवाज़ वहाँ तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। और हम
ये चीज करेंगे कि आने आने वाले वक्त में ऐसे चीजें नहीं हुए। चंद लोग मुझे बोल रहे थे खान फैजल भाई आप इस चीज को क्यों कर रहे हैं, वहां पे मैं ये बोलना चाहता हूँ मेरा घर जल रहा है कि मैं जब तक मेरा घर जलने का मैं इंतजार नहीं करता हूँ, किसी का भी जल रहा है ज्यादा वक्त नहीं लगेगा कि मेरे घर में जो आँच आएगी। मैं ये बोलना चाहता हूँ ऐसे चीजों को, सबसे शर्म की बात ये भी है जो हमारे गुरु बोलते हैं माँ बाप के बाद क्या आते हैं हमारे गुरु, उसमें प्रिंसिपल्स जो भी लेक्चरर्स है वो लोग तक ऐसी चीज़ों में घुसे हैं, जैसे कि वो लोग मैंने वीडियो देख रहा था लड़कियाँ उनको गिड़ करा रही थी सर हमारा फ्यूचर मत खराब करिए, और उनको ऐसा ही उन्होंने उनके सिरों में ऐसा जहर भर दिया है कि उन्हें लड़कियों का फ्यूचर नहीं दिख रहा। एक तेजस्वी सूर्या बेंगलुरु साउथ का MP है वो क्या बोल रहा था कि पंचर वाले अपने मुसलमान को ऐसा बोल रहा था अपने भाइयों को, लेकिन वो नहीं सुना जब हम लोग को पंचर वाले जब हम पढ़ाई के लिए आते तो जब हम हिजाब, ये लोग का सिर्फ एक ही मकसद है चीज़ को पोलराइज करना, क्रिमिनल बना के इनका मकसद एक ही है कितना भी हो सके इस चीज़ को भड़का के अपना वोट बैंक करना। यहाँ पे आज देखिए सब लोग हर कम्युनिटी के लोग हैं, हर जात के लोग इस चीज़ की मजम्मत करते हैं, ये है हमारा इंडिया, ये है हमारा कर्नाटक जहाँ पे हर किस्म के लोग आके इस चीज़ की मजम्मत कर रहे हैं। अकेले एक ही मुसलमान नहीं है, हर कौम का बंदा है इस चीज़ की मजम्मत कर रहा है ना। हमें बोलते हैं इस चीज़ों को रोकना चाहिए क्योंकि हिंदुस्तान में स्पेशली कर्नाटका ऐसी ये चीज़ों के लिए अपने नेचर के लिए अपने हम्बलनेस के लिए जाना जाता है, ऐसे ही जाना चाहिए, ऐसे शर्मनाक बेशर्मी वाले काम नहीं होना चाहिए जिसके हमारे कल्चर हमारी संस्कृति पे उंगली उठे। मैं बात बोल के आप सभी को शुक्रिया अदा करता हूँ, बाकी के अभी दूसरे सब बहन भाई बोलने वाले हैं, मैं बोल के इंशाल्लाह जल्द से जल्द प्रोग्राम ख़त्म करके DC साहब को लेटर दे के जो भी इस चीज़ों में जो भी एडमिनिस्ट्रेशन था उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए लॉ के बेस पे, बात बोल के मैं अपनी ख़त्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀವಿ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ, ಹಾಗೂ ಈ ಒಂದು ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು ತಮ್ಮ ಬೇಳೆ ಬೇಯಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಒಂದು ಸಂದಿಗ್ಧ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ತಂದು ನಿಲ್ಲಿಸಿದೆ, ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ವಿರೋಧಿಸ್ತೀವಿ ಯಾಕಂದರೆ ಅವರವರ ಧಾರ್ಮಿಕ ಭಾವನೆಗಳಿಗೆ ಧಕ್ಕೆ ಆಗದಂತೆ ಸರ್ಕಾರಗಳು ತಜ್ಞರನ್ನು ಈ ಕೊರೋನಾದಲ್ಲಿ ತಜ್ಞರಂತಾರಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿನ ತಜ್ಞರನ್ನು ತಗೊಳ್ಬೇಕು, ನೀವು ಇಲ್ಲಿನ ತಜ್ಞರನ್ನು ತಗೊಂಡು ಹಿಂದೂಗಳಿಗೂ ಭಾವನೆಗೂ ಧಕ್ಕೆ ಆಗಬಾರ್ದು, ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಅವರ ಭಾವನೆಗೂ ಧಕ್ಕೆ ಆಗದಂತೆ ಒಂದು ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗದಂತೆ ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ನಾನು ಈ ಮುಖಾಂತರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನನ್ನೊಂದು ಮನವಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೀನಿ। ನಮಸ್ಕಾರ। ಜೊ ಮಸಾಯಿಲ್ ರತೆ ಮಸಾಯಿಲ್ ಕೋ ಬಡ್ಕಾನೆ ಕೆ ಲಿಯೆ ವೋ ರಾಸ್ತೆ ಸೆ ಅಲಗ್ ಜಾನೆ ಕೆ ಲಿಯೆ ಐಸೆ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಕೋ ಆಗೆ ಲಾತೆ ಹೈ। ये कोई नया इश्यू नहीं है, 2016 में भी ऐसा इश्यू आया था, हावेरी में हिजाब के खिलाफ प्रोटेस्ट किया गया था, उस टाइम के हायर एजुकेशन मिनिस्टर ने जवाब दिया था कि आप चाहे तो क्या भी दाल लेके आओ, जो दाल लेके जो पेन के आ रहे उनको अपोज करना आपका काम नहीं है, वैसे लोगों को पकड़ के अंदर डालो, ऐसा ऑर्डर जब का मिनिस्टर दिया था। लेकिन जो आज का मिनिस्टर्स हैं, ये मिनिस्टर है यही डाउट आ गया है हम लोगों को, मिनिस्टर के लायक ही नहीं। एक MP कहता है मैसूर का हिजाब डालना है तो मदरसे को जाओ, एक मिनिस्टर कहता है मंगलोर का सुनील कुमार हिजाब पहनना है तो पाकिस्तान को जाओ, एक MLA कहता है बीजापुर का पाकिस्तान उसके लिए बना है आप वहां जाओ। हम लोग 1947 में ही पाकिस्तान को ठुकरा दिए लोग हैं, हम यही रहना है, यही पैदा हुए, यही मरना है, इसी मिट्टी में दफन होना है। ये लोगों को कोई हक नहीं है कि हमें कहीं भेज दे। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है जो डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर ने लिखा है, उसमें आर्टिकल 15(2) ये बहुत क्लियर कहता है कोई भी पब्लिक प्लेसेस में किसी भी रिलीजन के बेसिस पर, किसी भी कैस्ट के बेसिस पर, किसी रीजन के बेसिस पर, कपड़ों के बेसिस पर, लिहाज लिबास के बेसिस पर आप अपोज नहीं कर सकते। ये आर्टिकल 15 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बहुत क्लियर कहता है, आपको कोई रोक नहीं सकता आपके धर्म के कारण, आपके जात के कारण, आपके कपड़ों के कारण, आपके रीजन के कारण। ये लोग जो MLA मिनिस्टर्स जो
रिप्लाई दे रहे हैं आज कर्नाटक में, ये लोग एमएलए मिनिस्टर एमपी बनने लायक ही नहीं है। मैं अपील करता हूँ गवर्नर ऑफ कर्नाटक, अगर तुम्हारे पास कुछ भी कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में रेस्पेक्ट है तो इमीडिएटली मिनिस्टर्स को आप निकाल कर फेंक दीजिए पोस्ट के ऊपर से, क्योंकि ये लोग कॉन्स्टिट्यूशन पे हाथ रख के वोट लिए हैं। आज वही कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ ये लोग बात कर रहे हैं। ये लोग वोट लिए हैं कि हम किसी मजहब के किसी के खिलाफ, किसी इंडिविजुअल के खिलाफ, किसी ग्रुप के खिलाफ, किसी के खिलाफ भी हम काम नहीं करेंगे, ऐसा ये वोट लिए हैं। आज हमारे खिलाफ बात कर रहे हैं तो ये लायक नहीं है वो मिनिस्टर के पोस्ट पे रहने के लिए, इनका कोई राइट्स नहीं। आर्टिकल 25 वन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहता है हम कोई भी रिलीजन प्रैक्टिस कर सकते हैं, हम कोई भी रिलीजन को प्रचार कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसमें फुल फ्रीडम है हमारे लिए। ऐसे वक्त पर कॉन्स्टिट्यूशन हमारे सामने है, हम कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से 25 साल से 70 पर 5 साल से इस देश को हम बचाकर चल रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन हमें प्रोटेक्ट कर रहा है। ऐसे वक्त पर ये हिजाब इश्यू ही नहीं है, क्योंकि ये कोई केस ही नहीं है। हिजाब हमारे बहनों माँ बाप माँ बहनों पहन रहे हैं, उनके माँ बहने पहनते थे, उनके माँ बहने पहनते थे, क्योंकि ये इस्लाम का एक प्रैक्टिस है। और टू प्रैक्टिस एनी रिलीजन इज नॉट प्रोहिबिटेड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आप पहनकर जाने से कोई दूसरे बच्चों को कोई तकलीफ नहीं है, कोई दूसरे लेक्चरर्स को कोई तकलीफ होने वाली नहीं है। ये हमारा काम और हम लोग कहीं भी ये कहते हैं कि बाहर से मुसलमान अपने औरतों को फोर्सफुली बुर्का पहना कर बेचते हैं, फोर्सफुली हिजाब पहना कर बेचते हैं, इनके पास फ्रीडम नहीं है, ये कोई फोर्स नहीं है, इट इज अ पार्ट ऑफ इस्लामिक कल्चर, इट इज अ पार्ट ऑफ इस्लामिक प्रैक्टिस, कोई फोर्स नहीं है इसमें, ये हम सब जानते हैं। जो बेवकूफ लोग हैं, जो कानून को नहीं जानते, जो रिलीजन को नहीं जानते, जिसके पास कोई एजेंडा नहीं है, वही लोग ऐसे बात कर सकते हैं। कहां गए थे ये सब मिनिस्टर, मैं पूछना चाहता हूं, कहां गए थे ये सब एमएलए, मैं इनको पूछना चाहता हूं। नवंबर दिसंबर दोनों महीने गेस्ट लेक्चरर प्रोटेस्ट कर रहे थे, पूरे कॉलेजेस बंद थे, उस वक्त बात क्यों नहीं करिए लोग, वो काम तुम्हारा था। आज भी बहुत सारे कॉलेजेस में इंफ्रास्ट्रक्चर का इश्यू है, कहीं टेबल नहीं है, कहीं बेंच नहीं है, कहीं लैब नहीं है, कहीं कंप्यूटर नहीं है, कहीं करंट नहीं है, कहीं बैकअप नहीं है, कहीं लेक्चरर्स नहीं है, कहीं प्रिंसिपल्स नहीं है, कहीं लाइट नहीं है, कहीं फैन नहीं है, कहीं टॉयलेट नहीं है, कहीं पीने का पानी नहीं है। आप इसके बारे में क्यों नहीं बात करते हैं लोग, क्योंकि ये इश्यू से लोगों को भड़काने के लिए ये हिजाब का इश्यू लाए हैं। इनका कोई मंसूबा नहीं है कि जो प्रॉब्लम्स है वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, इनको प्रॉब्लम इसलिए हो रहा है क्योंकि ये गवर्नमेंट अपने काम से फेल हुआ गवर्नमेंट है। ऑलरेडी बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट में जजमेंट हुए हैं हमारे फेवर में, बहुत सारे हाई कोर्ट्स में, बॉम्बे हाई कोर्ट में, केरला हाई कोर्ट में, मद्रास हाई कोर्ट में, कर्नाटका हाई कोर्ट में, हर जगह हिजाब के फेवर में जजमेंट हुए हैं। फिर भी अभी एक केस हाई कोर्ट में चल रहा है, कल 8 तारीख को हियरिंग है, गवर्नमेंट के तरफ से एडवोकेट जनरल आर्ग्यूमेंट के लिए तैयार है। कल इसी बीच ये गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका 70 पे 5 साल में यूनिफॉर्म के लिए, ड्रेस कोड के लिए कोई आर्डर नहीं करे, पीयूसी के लिए, डिग्री के लिए। जब हाईकोर्ट में केस गया तो इमीडिएटली 2 आर्डर इश्यू करे लास्ट 1 वीक में। क्या अर्जेंसी था, जब केस कोर्ट में था तो आप आर्डर करने की क्या जरूरत थी।
और वो ऑर्डर भी क्लियर नहीं है, चुन चुन कर हाईकोर्ट के जजमेंट्स को उसमें लाया गया है। अरे उससे भी ज्यादा जजमेंट्स है हाईकोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के हिजाब के फेवर में। रिसेंटली केरला हाईकोर्ट में एक जजमेंट हुआ, लेकिन वो उन्होंने केरला हाईकोर्ट का जजमेंट यूज करे हैं उसमें के हिजाब के खिलाफ है। लेकिन रिसेंटली हाईकोर्ट केरला में एक जजमेंट हुआ है, एक लड़की को एग्जाम लिखने से मना किया गया था, उसको परमिशन दिया गया है हाईकोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में जजमेंट हुआ है, उसको नजरअंदाज करके जो पहले पुराने केसेस थे वो केसों को वो आर्डर में इश्यू करके आज एक बुनियादलेस, एक यूजलेस आर्डर गवर्नमेंट ने इश्यू किया है। उसमें कोई क्लैरिटी नहीं है, यूनिफॉर्म का कोई क्लैरिटी नहीं है, ड्रेस कोड का कोई क्लैरिटी नहीं है, फिर भी ये लोग आज भी लड़ रहे हैं। तो इनका सबका मकसद यह है कि लोगों में रिलीजन के बेसिस पे डिवाइड किया जाए, लोगों में रिलीजन के बेस पे लड़ाया जाए, और डेवलपमेंट के बारे में कोई पूछना नहीं इनको। ये मकसद के हिसाब से ये लोग आज ये सब इश्यूज रेज कर रहे हैं। हमें कोई डरने की जरूरत नहीं है, हम सब हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन ईसाई हम सब मिलके ही रहेंगे। इनके जो मकसद है वो मकसद पे हम तोड़ेंगे, हम सब मिलकर ही पढ़ेंगे, मिलकर ही खाना खाएंगे। इनका जो मकसद है वो मकसद कामयाब होने हम नहीं देंगे। ये हमारा एजेंडा है, हमें एजेंडे को लेकर हर जगह जाएंगे, हर जगह बोलेंगे, हर जगह सुनाएंगे। गवर्नमेंट को मैं चीफ मिनिस्टर से अपील करता हूँ, आप इस राज्य के चीफ मिनिस्टर हैं, आपको इख्तियार है कि आप डिसीजन ले, आप डिसीजन ऐसा लेके हर कौम के बच्चों को, हर कौम के इंसान को, हर कौम के लड़कियों को एक अच्छा कुछ हमारे खिलाफ आया है तो हम अपील के लिए भी हम तैयारी करेंगे। डेफिनेटली ये कॉन्स्टिट्यूशन के फेवर में हमारा जो प्रोटेस्ट है, हमारे जो लिबास है, हम जो यूज करते हैं, हम जो प्रैक्टिस करते हैं, यह कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है। कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ कोई भी नहीं है, कानून के खिलाफ भी नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ भी नहीं है। डेफिनेटली हम सक्सेस होंगे, हम हमारा प्रैक्टिस कंटिन्यू रखेंगे, हमारा एजुकेशन भी कंटिन्यू रखेंगे। हम किसी भी हद तक एजुकेशन को कहीं भी ड्रॉप नहीं करेंगे, हम सबसे हाईएस्ट डिग्री हासिल करने की पूरी कोशिश करेंगे। कहते हुए मेरी बात को खत्म करता हूँ, शुक्रिया। ನಮ್ಮ ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಗೆ ಯಾಕೆ ರೀ ಹಿಂಗ ಅನ್ಯಾಯ ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು? ನಮ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಎಂಟರ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಬಿಡುತ್ತಿಲ್ಲ ನೀವು? ನಮ್ಮ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸಾಹೇಬ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ರೈಟ್ ಇದೆ ನಮ್ಗೆ, ಯಾಕೆ ಹಿಂಗ ನೀವು ನಮ್ಗೆ ಅಡ್ಡಾ ಗೇಟಲ್ಲಿ ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ? ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗೋವರಿಗೆ ನಾವು ಹಿಂಗೆ ಜಮಾ ಆಗ್ತೀವಿ, ಅವ್ರು ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಮ್ಗೆ ನ್ಯಾಯ ಬೇಕು. ಅಲ್ಲ, ಸಮಸ್ಯೆ ಏನಂತ, ಅವರು ಹಿಜಾಬ್ ಹಾಕೊಂಡು ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಬರಬಾರ್ದು ಅಂತಿದ್ದಾರೆ, ಯಾಕೆ ಯಾರು ಇದು ಮಾಡಿದ್ದು ಇದು ರೂಲ್ಸ್? ನಮ್ಮ ಇಸ್ಲಾಂ ಕಲ್ಚರ್ ಇದೆ ಇದು, ನಾವು ಬರ್ತೀವಿ ಹಿಜಾಬ್ ಹಾಕೊಂಡೇ ಬರ್ತೀವಿ, ನೀವು ಯಾಕೆ ನಮ್ಗೆ ಅಡ್ಡದಾರಿ ಇದು ಮಾಡಕತ್ತೀರಿ? ನಮ್ಗೆ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಭೇಟಿ ಪಡಾವ್ ಭೇಟಿ ಬಚಾವ್ ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದೆ? ಹೇಳಿದ ಮಾತಾದ ಹೇಳಿದ ಮಾತು ನಮ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಹಿಂಗ ಅಡ್ಡದಾರಿ ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ನೀವು? ನಮ್ಗೆ ನ್ಯಾಯ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಬೇಕು, ನಮ್ಗೆ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗೋವರಿಗೆ ನಾವು ಈ ಥರನೇ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದು ಕರ್ನಾಟಕ ಬಹುತೇಕ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತಿರುವ ಹಿಜಾಬ್ ಮಸಲ ಏನಿದೆ ಅದು ಭಾಳ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಿದೆ. ಅದರ ಸಲುವಾಗಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಆ ಉಡುಪಿನಲ್ಲಿ ಮೊದಲೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋದು, ಆಮೇಲೆ ಅದು ಬರ್ತಾ ಬೇರೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಕಡೆಗೆ ಹೊರಡುತ್ತಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಹಿಜಾಬ್ ಒಂದು ಟೋಟಲ್ ದೊಡ್ಡ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಾರೆ. ಇದು ಏನು ಇಶ್ಯೂ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ರಿಲಿಜನು ತಮ್ಮ ರಿಲಿಜನ್ ತಾವು ಫಾಲೋ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ರೈಟ್ ಇದೆ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿವಳಿಕೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಲೀಡರ್ಸ್ಗಳು. ಇದು ಎಂಥ ನ್ಯಾಯ, ಎಂಥ ಇದು? ಇದು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಕೂಡ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಂಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಹೆಂಗೆ? ಅವರು ಪಾಪ ಅಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರ, ನಮಗೆ ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಒಳಗಡೆ ಕಳಿಸ್ಕೆ ಇದು ಮಾಡಲಿ, ನಮಗೆ ಸಹಕಾರ ನೀಡಲಿ ಅಂತ. ಅವ್ರು ಏನು ಸಹಕಾರ ಕೊಡವಲ್ದು? ಯಾಕೆ ಇದು ಎಲ್ಲ ಇಶ್ಯೂ? ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಇಶ್ಯೂನೇ ಇಲ್ಲ, ಇದು ಏನಿಲ್ಲ, ಇವ್ರದ್ದು ಏನು ಟ್ಯಾಟಿಕ್ಸ್ ಇದೆ ಇಷ್ಟೇ, ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಇದೆ. ಮುಂದೆ ಏನಾಗ್ಬೇಕು? ಮುಂದೆ ನಮ್ಮ ಹಿಜಾಬ್ ಅಷ್ಟೇ, ಎಲ್ಲರೂ ಇದು ಕೇಸರಿ ಶಾಲ್ ಹಾಕೊಂಡು ಬರೋದು ಅದೇ ಅವ್ರ ಇಷ್ಟಪ್ಪ. ಅವರು ಕೇಸರಿ ಶಾಲ್ ಆದರೆ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಬಣ್ಣ
ಕೇಸರಿ ಹಾಕೊಂಡು ಬರ್ತೀವಿ ನಾವೇನ ಏನಾದರೂ ಮಾಡ್ಕತ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ರಿಲಿಜನ್ ತಾವು ಫಾಲೋ ಮಾಡಲಿ ನನಗೆ ಏನದು ಅಡ್ಡ ಬರಂಗಿಲ್ಲ ನಾವು ನಮ್ಮ ರಿಲಿಜನ್ ನಾವು ಏನು ಮಾಸ್ಕ್ ಈಗ ಫೇಸ್ ಕವರ್ ಆಗೋದು ನಾನು ನಾವು ಹೇಳಲ್ಲ ಎದಕ್ಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಸ್ಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಬರಕತ್ತ ನಾವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇದೆ ಅದು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ರಿ ನಮಗೆ ಇದು ಹಿಜಾಬ್ ಇಶ್ಯೂ ಬೇಡ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ